हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या अभी की तरह की मैगी खा खा के बोर हो चुके हैं? तो क्यों बोर होना, चलिए आज डिफरेंट स्टाइल में ट्राई करके देखा जाए। ये ट्रायल बिल्कुल भी नहीं है, फुली ट्रस्टेड है। तो सबसे पहले मैं करूँगी मैगी को बॉयल। वो ऐड में दिखाते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी तैयार, तो 2 मिनट में तो तैयार होने नहीं वाली, बट 2 मिनट इसे टाइम देख के बॉयल करना है। ओवर कुक नहीं करना है जिससे ये गले नहीं। तो पूरे 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मैगी सारी अलग अलग हो गई है। तो मैं अब एक ट्रेनर में ट्रांसफ़र करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नॉर्मल पानी जिससे ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इनका जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाए। अब मैगी बिल्कुल हो चुकी है ठंडी, क्योंकि मैं देखिए इसे हाथों से टच कर रही थी। अब मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं हाथों में लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और मैगी में लगा दूंगी जिससे ये एक दूसरे से चिपके नहीं, नहीं तो ये जमकर केक बन जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो सॉस और उसके बाद थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस और एक पैकेट मैगी मसाला। ये प्रोसेस मैं प्लेट में ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर पैन में करेंगे तो वहाँ ये बहुत गीली हो जाएगी, क्योंकि मुझे बनानी है थोड़ा सा ड्राई ड्राई सी मैगी। तो अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने उसी पैन का यूज किया है। सबसे पहले मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल और ये कुछ वेजीज हैं। शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से कट किया है थोड़ा सा लंबे स्लाइस में, और ये ऑनियंस हैं और कुछ पनीर के पीसेस हैं, और ये हरा मिर्च और ये टमाटर। अगर आपके पास और वेजीज हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है जीरा, जीरा पक चुका है तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्याज को ओवर कुक नहीं करना है, ओनली सौते ही करना है, वो भी हाई फ्लेम पर ही बनाना है। जितने भी चाइनीज फूड आप बनाएं उन्हें हाई फ्लेम पर ही बनाएं। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और हरा मिर्च ऐड कर दिया है, इसे भी सौते होने देंगे। तो अब बारी है कुछ मसाले ऐड करने की, तो चलिए कुछ मसाले ऐड कर दिए जाएँ। तो मैंने ये ऐड किया है नमक। नमक मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया, क्योंकि सिर्फ इन सब्जियों के लिए ही नमक चाहिए। बाकी तो सॉस में भी थोड़ा सा नमक और मैगी मसाले में भी थोड़ा सा नमक है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी पनीर के पीसेस। अब इसे 2 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पर कुक कर लें। 2 मिनट लगभग हो चुके हैं और पनीर भी सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब एक पैकेट मैगी मसाला और ऐड कर दिया जाए। और इसके बाद अब मैं मैगी ऐड करूंगी इसमें। ये देखिए मैगी कितनी खिली खिली रखी हुई है, और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार आप इस तरीके से मैगी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये देखिए फाइनल मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल दिखने में तो चाउमीन जैसी लग रही, बट फ्लेवर्स मैगी वाला ही है, क्योंकि इसमें मैगी मसाले ऐड हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।